नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ इंडिया में और मैं हूं आपके साथ रिया। आज हम बात उन घरेलू उपाय के बारे में करने वाले हैं, उस घरेलू कंडीशन के बारे में करने वाले हैं जिससे आपके बाल अच्छे दिखेंगे और प्रोटीन से भरपूर रहेंगे, क्योंकि अच्छे बालों की कामना हर कोई करता है और बालों को अच्छा दिखाने के लिए लोग तरह तरह की कंडीशनर शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं जिसके थोड़े दिनों बाद बाल एकदम रूखे और बेजान दिखने लगते हैं। लेकिन आज हम आपको जिस घरेलू कंडीशनर के बारे में बताने वाले हैं उसका इस्तेमाल करने से आपके बाल एकदम प्रोटीन से भरपूर हो जाएंगे। तो आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं कि ये होममेड ट्रीटमेंट करने के बाद आपके बाल कितने अच्छे और स्वस्थ दिखने वाले हैं। तो आइए ये ट्रीटमेंट क्या है इसके बारे में जानते हैं। एग ट्रीटमेंट, अपने बालों को कंडीशन करने के लिए अंडे का इस्तेमाल करें। अगर आपके बाल रूखे और बेजान हैं, तो अपने बालों को मॉइस्चराइज करने के लिए अंडे के सफेदी का इस्तेमाल करें। अंडे के सफेद भागों को बाल में लगाएं और इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद उसे ठंडे पानी से धो लें। ठंडे पानी से धोने के बाद आप अपने बालों में अलग तरीके का फर्क देख सकते हैं। तो गर्म पानी से बालों को धोने से बचें। गर्म पानी से बालों को धोना छोड़ दें, क्योंकि गर्म पानी आपके बालों को ड्राई बना देता है और इससे आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी होने शुरू हो जाती है। बालों को सर्दियों में भी सिर्फ नॉर्मल पानी से ही धोएं, नहीं तो आपके बाल रूखे और बेजान हो जाएंगे जिसके बाद आपके बालों की खूबसूरती चली जाएगी। घिया का जूस निकाल कर बालों में लगाएं। इस घोल को आधे घंटे के लिए रखें और अच्छी तरह से बालों को धो लें। यह बालों के लिए आसान ब्यूटी टिप्स में से एक माना जाता है और इसमें एक मैजिक है और ये एक मैजिक की तरह काम करता है। तो वहीं होममेड प्री कंडीशनर बनाने के लिए 1 कप और 2 से 3 चम्मच शहद का मिश्रण लें। इस मिश्रण को अपने गीले बालों में समान रूप से लगाएं। इसे 30 मिनट के लिए छोड़ दें और अच्छी तरह से बालों को धो लें। यह मिश्रण आपके बालों के क्यूटिकल्स को बंद करने में मदद करेगा जिसके बाद आपके बाल काफी ज्यादा शाइन करने लगेंगे। प्रोटीन कंडीशनर, प्रोटीन से भरपूर कंडीशनर बनाने के लिए अंडे और दही को मिलाएं और इसे अच्छी तरह से पैक के इस्तेमाल से अपने बालों को लगाएं। 5 या 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, फिर इसे पूरी तरह से धो लें और ध्यान दें कि आप अपने बालों पर केमिकल से भरपूर कंडीशनर का इस्तेमाल ना करें जिससे आपके बाल रूखे और बेजान हो जाएं और बिल्कुल भी अच्छे ना दिखे। अच्छे बालों के लिए इन तरह के घरेलू होममेड कंडीशनर का इस्तेमाल करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। हेल्थ संबंधित अन्य जानकारी के लिए हेल्थ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हेल्थ इंडिया के वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।